क्या आपको पता है गाजर सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था? या अगर आप किसी को नाम से पुकारोगे तो आपको जेल में डाला जा सकता है। ये चीज कहाँ पर होती है अगर आपको जानना है तो देखते रहिए शॉर्टकट फैक्ट्स। नए साल में आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदार को क्या गिफ्ट देना पसंद करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं पीले रंग की चड्डी दूं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ऐसा ही कुछ होता है पेरू में। जी हाँ, पेरू में अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स को नए साल में पीले रंग की चड्डी दिया जाता है। गिफ्ट की बात कर ही रहे तो सबसे अमेजिंग गिफ्ट क्या होगा? किसी को फ्लावर देना। मगर ये गलती आप एशिया में नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को फ्लावर देना वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती माना जाएगा। आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी, सिंपल। लेकिन बहरीन में पॉलिटिकल पार्टीज को उसके नाम से पुकारना वहाँ पर इलीगल है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को एक सोसाइटी की नज़रिए से देखा जाता है। अच्छा, आप किसी को सम्मान जानने के लिए क्या करेंगे? आदर से उनके सामने झुकेंगे। मैं तो आयरलैंड के राजा के निप्पल छूंगा, क्योंकि वहाँ पर एक समय में आयरलैंड के राजा को सम्मान जनाने के लिए उनका निप्पल छूना पड़ता था। ऑरेंज रंग की गाजर जो हम खाते हैं उसको सबसे पहले नीदरलैंड में उगाया गया था। सेल्फी लेना एक संगीन जुर्म है, यहाँ पर नहीं, क्यूबा में और सऊदी अरब में। जी हाँ, यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग्स या पुलिस अफसर या किसी की इजाज़त के बगैर किसी की फोटो उतरना जुर्म है, जिसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। टेक्सास में कानून है कि आप नंगे होकर फर्नीचर नहीं बना सकते। आपको नहाने से पहले एक और बार नहाना होगा, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है आइसलैंड में, जहाँ पर बहुत सारे झरने तो है, लेकिन वहाँ पर नहाने से पहले आपको पूरी तरह से नेकेड होकर एक और बार नहाना होगा। क्या आपने सोचा था जिस चिकन को हम खाते हैं वो किसी देश का नेशनल एनिमल हो सकता है? जी हाँ, फ्रांस का नेशनल एनिम है चिकन, यानी कि मुर्गा। हमारे देश में बहुत सारे मान्यता है जिसको हम जानते हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो है बाहर के देशों में कैसी मान्यता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ऐसी कुछ मान्यता के बारे में जानेंगे जो बेहद ही मजेदार है। बेबी सॉल्टिंग के बारे में आप जानते हैं? असल में टर्की में न्यू बॉर्न बेबीज को पूरे शरीर में नमक लगाया जाता है। ऐसा करने के पीछे उनका मान्यता है बेबी को ताकतवर बनाया जाता है। अगर आप किसी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो शायद आपको जूते पड़ सकते हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो, क्योंकि जर्मनी में एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलना वहाँ पर एक बैड लक की निशानी है। घर के अंदर सीटी बजने से आप कंगाल हो सकते हैं, ये मान्यता अजकस्तान में है। गिफ्ट लेने के तुरंत बाद अगर आप गिफ्ट को खोलेंगे तो एक अपशगुन है। अरे इंडिया में नहीं, फिलीपींस में ये होता है। अमीर होने का एक शॉर्टकट बताऊं? आप कुत्ते के पंजे को बाएं हाथ से सहलाइए। लेकिन शायद आप इंडिया में ऐसा करके अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि ये मान्यता रूस में मौजूद है। तो आप रूस में जाके कुत्ते के पंजे को बाएं हाथ से सहलाएंगे तो आप रूस में जरूर अमीर हो जाएंगे। रूस में एक और मान्यता है कि नए घर में अगर आप परिवार के किसी सदस्य को पहले भेजेंगे तो वो पहले मर जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर बिल्ली को पहले भेजा जाता है। अगर बिल्ली ना जाए तो उस घर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और फिर से एक नया घर बनाया जाता है। मंडे फ्राइडे और अपने जन्मदिन पर अगर आप बाल काटते हैं तो बर्मा जाके आप प्रायश्चित करिए, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों में बाल काटना अशुभ है। वैसे भूटान तो हमारे पड़ोसी देश है, लेकिन यहाँ के मान्यता बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप किसी के पैर के साथ अपना पैर टकरा देते हैं तो पहले आपको हाथ मिलाना होगा, वरना वो आपको दुश्मन समझेगा और आपको शायद अटैक भी कर सकता है। जहाँ गिरते हुए तारे को पूरे दुनिया गुड लक की निशानी मानते हैं, वहीं मंगल प्रजाति के लोग बैड लक मानते हैं। यहाँ पर घर के अंदर सीटी बजाना इसका मतलब आप भूत प्रेत को बुलाना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर घर के अंदर सीटी बजाने का मतलब है
अब बुरी आत्मा को घर के अंदर बुला रहे। यह वाला मान्यता बेहद ही एडवांस है, क्योंकि एक काटी से दो लोगों के सिगरेट जलाना यहाँ पे अशुभ माना जाता है। एक देश के अंदर कोई और देश आजादी से रह सकता है? ये सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना एक देश के अंदर एक देश नहीं दो देश आजादी से रह सकता है, और वो है सन मरीनो और दूसरा है वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। हर एक कंट्री के अलग अलग पताका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन से देश का पताका सबसे ज्यादा पुराना है? नेदरलैंड। यहाँ का राष्ट्रीय संगीत भी सबसे पुराना है। अगर मैं आपसे कहूँ किसी देश का साइनबोल एक मुत्ता हुआ बच्चा है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ये मुत्ता हुआ बच्चे का साइनबोल असल में बेल्जियम में है। हिटलर को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ? असल में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गाँव में हुआ। सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन सिटी दुनिया के तीन ही ऐसे शहर है जो खुद देश भी है और एक शहर भी। स्टेपलर, कौन नहीं जानता स्टेपलर के बारे में? क्या आप जानते हैं स्टेपलर कहां पर आविष्कार हुआ? स्टेपलर का आविष्कार स्पेन देश में हुआ था। हम सब जानते हैं कतर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देश है, लेकिन क्या आप दूसरा अमीर देश कौन सा है जानते हैं? दूसरा देश है लक्ज़मबर्ग। दुनिया के सबसे महंगे करेंसी कुवैती दिनार है। दुनिया में सबसे पहले घोड़े को एक पालतू जानवर अजिकिस्तान में बनाया गया था। तो आज का शॉर्टकट फैक्ट इतना ही था। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर से करना। तो गुड बाय।